अब ये देखो कि इस तरह से नाम आपके एट्रीब्यूट्स और नाम के साथ संयोग है, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। पहले पॉइंट लिख लीजिए, नाम जो अब किसका किसका ड्राइवर पे मैच हो रहा है, नाम जो आपका नाम निकाला था कल एक्सप्रेशन नंबर, खाली एक्सप्रेशन नंबर की बात कर रहे हैं, नाम का चेंज होगा खाली एक्सप्रेशन नंबर से होगा, मतलब फुल नेम। हाँ ओके, अब उसको और ड्राइवर से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, देख ली, सेम टू सेम आ रहा है ड्राइवर और कंडक्टर, सॉरी आपका एक्सप्रेशन नेम का नंबर और ड्राइवर मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किसका मैच नहीं हो रहा है वो लिख ली, नो मैचिंग लिख ली। 5-6 रूल्स है उसके, एक रूल नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो लोचो ग्रिड पे डिपेंडेंट है, बाकी लोग पूरे रूल्स हम डिस्कस करें। ओके, अब ये देखिए, हाँ जी, अब ये देखिए कि आपका ड्राइवर और आपका नाम का नंबर सेम टू सेम आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है तो लिख लीजिए सेम टू, पहला कंडीशन है सेम टू सेम, मतलब ड्राइवर 2 रहा और आपका नाम भी 2 रहना चाहिए, 3 रहा तो आपका नाम का जो एक फुल नेम है वो 3 होना चाहिए, जो भी नाम आपका है, जो भी नाम आपने लिया है। लिखिए कुछ भी मत लिखिए, बस उस वहां पर देख लीजिए क्योंकि मैं देखने वाला भी नहीं हूँ। ओके, आज आप लोग अपना नाम चेंज कर कर पूरा ड्राइवर कंडक्टर प्रॉपर अपना नाम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, टाइम लिखोगे कि आपका नाम का एक्सप्रेशन नंबर, आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है, हुआ नंबर क्या है, एक्सप्रेशन पर्सनैलिटी क्या है, एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, हर डिजाइन नंबर, और ये 5 जो रूल बोलने वाला हूँ नेक्स्ट 2 आवर्स में, इसके बारे में लिखकर व्हाइट पेपर पर फोटो लेकर ग्रुप में डालो, कल मैं चेक करूंगा और इसी पे बताऊंगा किसका नाम कैसे चेंज करना है, कौन सा अक्षर आपको ऐड करना है, रिमूव करना है। अभी सपोज रिमी खेतान है, ये सुटेबल नाम है नहीं है, नो सर, ड्राइवर से मैच हो रहा है, बाकी सब मैं खाली उससे बात करूंगा, अभी समझना आप मैं क्या कन्वर्जन कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। पहला रूल क्या था, ड्राइवर और आपका नहीं, हाँ ड्राइवर और एक्सप्रेशन नंबर दोनों सेम सेम है आपके, रिमी अनमिट कर लीजिए, हाँ जी बोलिए, हाँ सर, नहीं है लेकिन हाँ सेम है, नो सर, सेम का मतलब क्या है, दो ये भी है दो वो भी है क्या ऐसा, नो सर, नहीं है तो लिख दीजिए मैच हो रहा, तो बोल दीजिए मैच हो रहा है, ड्राइवर और एक्सप्रेशन नंबर मैचिंग, पहला रूल क्या है, ड्राइवर और कंडक्टर मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। ओके, नहीं हो रहा है ना, नो सर, अब दूसरा रूल देखिए, सेकंड रूल, एक्सप्रेशन नंबर शुड मैच विद द कंडक्टर, एक्सप्रेशन नंबर शुड मैच विद द कंडक्टर, पूरा कल आज का होमवर्क करके कल पोस्ट करोगे तो आपका नाम चेंज क्या क्या करना है, कम से कम 8-10 केस लेकर मैं समझाऊंगा कैसे चेंज करना है, जिसका मैच नहीं हो रहा, जिसका मैच हो रहा ठीक है। ओके रिमी बेटा, ओ आपका कंडक्टर और एक्सप्रेशन नंबर मैच हो रहा है, सर एक्सप्रेशन नंबर तो फुल नेम होगा ना, रिमी खेतान, हाँ फुल यस फुल नेम ही होगा, मैं एक्सप्रेशन नंबर मतलब फुल नेम ही बात कर रहा हूँ मैं, नेम, ओके सर, हाँ सो लाइक जैसे रिमी है, RIMI रिमी नहीं जो है, नहीं समझा वी आर नॉट कंसिडरिंग द रिमी, वी आर कंसिडरिंग रिमी बेटा, फुल खेता, नेम, फुल या नेम बोल, जो भी फुल नेम आपका, नो सर, इट्स नॉट नो मैचिंग, अजी मैच हो रहा है तो मैच हो रहा लिख लीजिए, नहीं हो रहा है तो नॉट मैचिंग लिख लीजिए, क्लियर हो गया ये रूल, या किसी को डाउट है, जिसको भी डाउट है वो हाथ उठा खड़ा कर लीजिए, मैं समझा, हाँ हाँ सर, जी ये सेकंड रूल जो आपने बोला ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, कंडक्टर जो है, कंडक्टर का मतलब क्या है, ड्राइवर कंडक्टर निकाला था आपने, उससे मैच हो रहा क्या, दोनों सेम हो रहे क्या, कंडक्टर 2 आया समझो, कितना कंडक्टर कितना है आपका, मेरा कंडक्टर एक है, 1 है, और आपका एक्सप्रेशन नंबर कितना है, 8, 8,
दोनों मैच हो रहे हैं? नहीं नहीं हो रहे, लिख लीजिए मैच नहीं हो रहे हैं, वो लिख लीजिए, नॉट मैचिंग लीजिए, जो भी हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में। क्लियर हो गया अभी? किसी को और को? सर ड्राइवर का नेम के साथ लेना ना सर। हाँ दोनों एक, दोनों सेम होने चाहिए ना। हाँ, ड्राइवर भी एक्सप्रेशन नंबर पे लाने का है ना सर, कंडक्टर अरे मैं बोला क्या अभी? मैं बोला ही नहीं अभी, तुम रूल ही नहीं बोला मैंने, तुम भाग रहे का। क्यों? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ जल्दी, मुझे जल्दी नहीं है, अभी एक दिन और चाहे तो और एक दिन बढ़ा दूंगा मैं, जल्दी नहीं ओके है। सर। हाँ आई लव माई टीचिंग, मेरा पैशन है, यस आज नहीं सर। पहले से ही, पहले से ही मेरा टीचिंग बहुत बड़ा फैल। हाँ जी सर आई एम उषा, आई वांट टू आस्क यू, जस्ट नाउ यू सेड ड्राइवर एंड कंडक्टर हैव टू बी द सेम एंड सेम, देन यस एक्सप्रेशन नो, नंबर। एक मिनट, आई या टोल्ड, 1 मिनट, एक्सप्रेशन 1 मिनट, आई टोल्ड यू फर्स्ट कंडीशन, योर ड्राइवर एंड एक्सप्रेशन शुड बी मैच। सपोज एग्जांपल योर ड्राइवर इज टू एंड द एक्सप्रेशन नंबर टू, दैट्स इनफ। इफ नॉट मैचिंग, इफ टू इज नॉट इक्वल टू टू, देन नॉट मैचिंग। क्लियर है उषा जी? यस सो हाँ ड्राइवर एंड एक्सप्रेशन शुड बी द सेम एंड देन ड्राइवर एंड कंडक्टर हैव टू बी द सेम नो एक्सप्रेशन। नो नो, फास्ट एक में मिनट, हम एक्सप्रेशन ना, चेंज ऑफ नेम को कर रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर को हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। वी आर, हमारा बेस क्या है अभी? नाम का, नाम मतलब क्या है? एक्सप्रेशन नंबर है, हम एक्सप्रेशन नंबर को ड्राइवर के साथ मैच कर रहे हैं। पहला रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? द फर्स्ट रूल शुड, योर एक्सप्रेशन नंबर शुड बी सेम एज इट इज योर ड्राइवर, है क्या ये क्लियर है? सेकंड क्या है? आपका एक्सप्रेशन नंबर शुड बी सेम एज द कंडक्टर। हो रहा है कंडक्टर के हिसाब से? हो रहा है, बराबर हो रहा है? दो 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 आ रहा है, नहीं आ रहा? तीन तीन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो आ रहा है। ओके हाँ इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब सपोज, अब सपोज आपका ये दो रूल हो गए, अब नेक्स्ट देखते हैं। जो टेबल लिखा है आप सामने रखिए टेबल को, ये मत देखिए, सामने टेबल को रखिए। आप सपोज, क्या इसके फ्रेंडली नंबर से मैच हो रहा है क्या ड्राइवर के? ड्राइवर के फ्रेंडली नंबर से मैच हो रहा है क्या? मतलब सपोज ड्राइवर एक है, आपका एक्सप्रेशन 9 2 5 तीन छह आ रहा है, कोई भी एक नंबर आ रहा है इसमें से, हाँ मैच हो रहा है। हाँ मैच हो, मैच हो रहा है, हाँ कौन से नाम पर आ, नंबर पे आ रहा है? मेरा ड्राइवर 5 और ये 6 है एक्सप्रेशन नंबर। तो दो, ड्राइवर 5 है, हाँ ड्राइवर 5 और 6 दोनों मैच नहीं हो रहे ना, और आपका मैच नहीं। कंडक्टर, एक मिनट एक मिनट, आपका एक समझना लॉजिक यहाँ पर, इनका ड्राइवर 5 है और एक्सप्रेशन नंबर 6, दोनों सेम सेम हो रहे हैं? नो, फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। ओके आप बोलो मेरे को कंडक्टर कौन, कितना नंबर है, कंडक्टर का नंबर कितना है? नहीं नाइन, नाइन और 6 मैच हो रहा है? नहीं नाइन। यदि आपका नेम ड्राइवर के फ्रेंडली नंबर से आ रहा है क्या, सपोज इसी का लेते एग्जांपल, कविता महाजन का, अब इसका एक्सप्रेशन नंबर कितना 6 आ रहा था ना, हाँ एक्सप्रेशन ड्राइवर कितना है? ड्राइवर 5। ड्राइवर 5 है, क्या इसके फ्रेंडली में आ रहा है? 1 2 3, 1 2 3 6 में आ रहा है? एक्सप्रेशन नंबर आ रहा है। यस आ रहा है ना, एक्सप्रेशन नंबर 1 तो भी आना चाहिए, 2 तो भी आना चाहिए, 6 तो भी आना चाहिए, 3 तो भी आना चाहिए, आ रहा है ना, 6 पे आ रहा है ना, हाँ तो आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। क्लियर? यदि आ रहा है ड्राइवर के फ्रेंडली नंबर पे आ रहा है, तो ड्राइवर नाम चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं कल बोल दूंगा चेंज करना है, अभी अभी इस वक्त के लिए चेंज नहीं करना है। ओके ये क्लियर है? चलिए आप ये देखो कि ड्राइवर से मैच नहीं हुआ, पहला रूल फेल हो गया, पास हो गया, फेल हो गया। दूसरा रूल क्या है? कंडक्टर से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब सेम टू सेम आना, नहीं तो ड्राइवर के फ्रेंडली नंबर्स में से आ रहा है क्या?
फ्रेंडली आ रहा है, फाइन। ये तीन कंडीशन जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, मगर अब लिख लो कुछ कंडीशन है उसको भी वेरीफाई करना, कुछ कंडीशन है उसको भी वेरीफाई करना, एडिशनल कंडीशन है। ये दो मिनट में ये टेबल ड्रॉ कर दीजिए, ये जो नाम एक अपोजिट वन वो जा वहां पर वही था, यहाँ पर थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। ये दो मिनट में टेबल ड्रॉ कर लीजिए, सेम टू सेम लिख लीजिए, लिखना जरूरी है। फोटो ले लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, दैट इज डिफरेंट है, बट उसको समझना जरूरी। क्यों समझना है, वहां से लाए हम लोग। कभी भी यदि ड्राइवर एक आया, आठ पे नाम कभी भी लाना नहीं है। हो गया सबका? सर डन डन। चल हाँ जी, लास्ट एक मिनट, फाइन, ओके हो गया, फाइन हो गया जी। चलिए हाँ जी, अब ये देखो एक का अपोजिट आठ है, दो का चार छह आठ नौ पर लाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तीन का अपोजिट छह है, चार का अपोजिट टू एट नाइन है, करेक्ट है, पांच का कोई अपोजिट नहीं होता है। तो कभी भी नाम जो है वो किस पे लेके आएंगे नंबर, ओके नहीं। आगे आपकी फोटो दिखने दो ना लोगों को, पूरी अपने आप को पूरा, ये क्योंकि आपके अंदर डर है, वो डर निकलना चाहिए, मेरा मतलब वो है डर, डर जो है वो निकालो पहले, सबसे पहले अपने आप से डर निकालो। क्लाइंट तो मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, अपने आप को प्रेजेंटेशन करो, अपने आप को प्रेजेंट करो लोगों के सामने। एग्जाम्पल, यदि बाप अपनी बेटी बड़ी हो, बड़ी बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, तो नहीं बोले तो क्या हो जाएगा, शादी होगी किसी से नहीं होगी ना। हाँ, चार लोगों को बोलना पड़ेगा, हर चीज का अपना एक प्रचार होता है। इसमें तो फर्स्ट मैं ही होगी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यस, अपने आप को इतना ढालो कि कोई भी परिस्थिति जो जीवन में है आपको बाजू से निकल जाए, मेरा एक्सपीरियंस है। इतना इजी नहीं है मार्केट में ऑकल साइंस में टिकना, हेवी कंपटीशन फील्ड है ये, बट आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए, जब क्लाइंट आता तो वो पीछे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्किल्स है वो यूनिक स्किल्स है। जो अरविंद जी, में जो मेरे गुरु है अरविंद जी, उन्होंने जो पढ़ा वही पढ़ा रहा हूँ, कुछ और नहीं। हाँ, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल मेरे है, जहाँ वेदी सीखा वो वही जैसे मैंने सीखा वही सीखता हूँ, वही प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए, अब चार नंबर वाला, आठ नौ नंबर वाला हो गया। अब पूनम जी का कौन सा ड्राइवर कंडक्टर बोल सकते हो, गेस कर सकते हो, बात कर रही थी अभी, कौन गेस कर सकता है? चलो बिहेवियर देखकर ना। हाँ सेवन सर, सेवन। हाँ जी बोलो। चलो उसके डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर, नहीं नहीं चलो ड्राइवर कंडक्टर थोड़ा आगे होगा, इसके डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर रहेंगे? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलो, अब बोल सकते हो। थ्री नंबर और वन। नहीं गेस मत करो, वह एक जना एक बोलेगा तो किसी ना किसी तो लकी लग जाएगा, ऐसा नहीं। फोर थ्री वन डेट ऑफ बर्थ में सिक्स आई, तो ऐसे बोलो, गेस कर रहे हो, एक ही बोलो। वन इज थ्री सर, फोर है क्या? फोर आपके डेट ऑफ पूनम नहीं है। वन एंड थ्री सर है क्या? वन एंड थ्री टू सेवन रहेगा सर, टू सेवन है क्या? टू सेवन आपके
फाइव होगा उनका, फाइव होगा, टू भी है, फाइव भी है और थ्री भी है, सिक्स भी होना चाहिए है। ओके फाइन, ये क्लियर हुआ भी? अब ये देखो कि पहला कंडीशन पास हुआ नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन पास हुआ नहीं हुआ, थर्ड कंडीशन क्या है उसकी फ्रेंडली में ले आएंगे, उसके फ्रेंडली। फोर्थ कंडीशन तो लॉजिक वाला है, ट्रिकी है। अब सपोज यहां सोचो एक मिनट, लॉजिक लगाना, एक और आठ क्या है, एंटी नंबर्स है, एंटी नंबर्स दुश्मनी है। सामने रख लीजिए, जो लिखा है वो सामने रख लीजिए, याद नहीं होगा तो सामने एकदम स्टक हो जाएगा, मतलब स्ट्राइक हो जाएगा। ओके, तो नहीं तो स्टक हो जाओगे। अब सपोज किसी का ड्राइवर नौ आ रहा है, लॉजिक लगाना, किसी का ड्राइवर नौ आ रहा है तो नौ कैसे आ सकता है, अठारह से नौ आ सकता है, पहले तो नौ से नौ आ जाएगा, फिर अठारह से नौ आएगा, फिर सत्ताईस से नौ आएगा, मतलब कोई भी नंबर तीन जगह से रिप्रेजेंट होता है, नौ से नौ आएगा। एग्जाम्पल में ये कंडीशन थोड़ा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा। सपोज अब किसी का ड्राइवर नौ आ रहा तो मतलब कहाँ से आया ड्राइवर, ड्राइव कहाँ से आया, एक तो नौ से आया होगा, नौ जून नौ तारीख होगी, एक अठारह से होगा, एक सत्ताईस से होगा ना, यस सर, यस सर, कहीं कहीं और से आएगा, नहीं सर, नो सर, नो नहीं सर, बस। अब सपोज बेटा, अब बेटे को कोई डिसीज है तो कहाँ से आएगी, माँ बाप से आएगी, बाप से आएगी, जेनेटिकल डिसीज है तो फर्स्ट। अब सपोज माँ बाप के पास ये संस्कार नहीं है तो बेटे को क्या दे पाएंगे, संतान को अपना दे पाएंगे, नहीं। हाँ दे पाएंगे, नहीं। दे पाएंगे, माँ बाप के पास ही संस्कार नहीं है तो बेटे को दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं सर, नहीं दे पाएंगे। राम के पास, सीता के पास संस्कार थे तो लव कुश को भी संस्कार दिए, नहीं दिए, यस सर। ओके, अरे सीता जी के पास अपने माँ बाप के पास संस्कार नहीं दे पाती थी क्या, दे आप सीता बन पाती थी क्या, तो कैके ही बनती थी, समझ आया, संस्कार कहाँ है, मतलब है कैके ही बनी तो मतलब क्या है, उसके माँ बाप के संस्कार भी वैसे होंगे, समझाने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो जेनेटिकल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो सिंगल डिजिट में आया वो कहां से आया है इसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नाउ आप यही एग्जांपल बोलो, कौन सी डेट अच्छी है इसमें से, कौन सा ड्राइवर अच्छा है, मैं ये देखो दो में से ये नौ तो आया ड्राइवर, ओके, मगर कौन सी डेट से आया, नौ से नौ आया तो गुड है, सत्ताईस से आया तो गुड है, मगर अठारह से आया तो बैड है, क्योंकि एक और आठ क्या है, विरुद्ध है, तो ये नंबर तो अच्छा है मगर जेनेटिकल प्रॉब्लम है। ओके, ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है, तो ये नंबर जो अठारह से आया इट इज नॉट गुड, ओके, क्योंकि एंटी नंबर्स है, ये क्या है, एंटी नंबर्स है, समझ में। आप सपोज किसी का ड्राइवर तीन आया तो कहां कहां से, तीन से आ सकता है तो कहां से आएगा, बारह से आ सकता है और कहां से आएगा, ट्वेंटी वन, चलो ठीक, और 30 एंड 30 यस 30 भी, मैं भूल ही गया 30 से भी आएगा, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं एक दूसरे में, एक आप समझो तीन तो ठीक है, ये भी ठीक है, और एक और दो कैसे है आपस में, आपस में कैसे है, राजा और रानी कैसे है, दोस्ती है, फ्रेंडली है, न्यूट्रल है,
ये भी फ्रेंडली है तो मतलब तीन अच्छा है। और जब आप अपने आप से इतने डरोगे तो क्लाइंट के सामने कैसे डरोगे, बात कर पाओगे? तो कहने का मतलब जब तक ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे तो नॉलेज ले क्या करोगे, क्या कर लोगे? सुंदरता, सुंदरता फिजिकल नहीं है, वर्डिंग की बहुत सुंदरता होती है। सेल करने वाले हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एक एक कस्टमर आपके लिए वरदान है, एक एक चीज आपको काउंट होती है, इसकी वैल्यू देती है। मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, ये है इतना मार्केट है, यू कांट इमेजिन इट, बट काम करना होगा, जेन्युइनली काम करना होगा। मैं याद रख लीजिए, कस्टमर सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। कुछ गलत दे दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब आपको गलत रेमेडी दी, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको सांख्या दर्शन पढ़ना पड़ेगा जो कपिल मुनि द्वारा लिखा हुआ। 25 एलिमेंट कैसे इम्पैक्ट करते हैं कोई चीज गलत देने से, गलत नाम होने से क्या हो जाएगा, मतलब खाली गलत हो गया कुछ हो जाएगा? नहीं, बहुत बड़ा 30-40% आपका योगदान है। गलत हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन, हाँ, आपने जो अभी जो ये कॉम्बिनेशन बताया था 1-2 वाला, 2-21 वाला जो 3 नंबर का था, तो उसमें 1-2 का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? लाइक चेंज भी अलग भी हो सकता है ना, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। कैसे होगा 21 का बोल रहे हो? हाँ, 12 या फिर 21। आपने कल बोला था ना कि लाइक हम ड्राइवर कंडक्टर की कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे हैं, नाम के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। 2-1 और 2-1-2 अलग अलग है, ड्राइवर कंडक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये अलग है, बट नाम के लिए ये तीन कहाँ से आ रहा है? नाम के लिए देख रहे, ये भी तीन आ रहा है, ये भी तीन आ रहा है, मगर राजा रानी से आ रहा है तीन, ये राजा रानी से आ रहा है तीन, और ये किससे आ रहा है? रानी और राजा से आ रहा है। दोनों नंबर कैसे है, फ्रेंडली है नॉन फ्रेंडली है, इन नंबरों को देखना पड़ेगा। ये नंबर जो है इसको देखना होगा, क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं 8 और कौन सा 8 आएगा? 1-7 से 8 आएगा, 2-6 से 8 आएगा, और किससे आएगा, किससे नहीं आएगा? वो 30 है इसलिए 3 का ही, तो ये 8 से आया तो ये अच्छा है, बुरा? डबल 4 से भी आएगा 8 सर। अरे डेट की बात कर, डेट की बात कर रहे हैं, ड्राइवर के, ड्राइवर इससे ज्यादा कहाँ से होगा? 9-8 से भी आएगा। हाँ, आप नहीं समझे, डेट में कहाँ से आएगा 48? या सही से, ठीक, डेट तो 31 तक ही तो रहेगी ना, हम ड्राइवर की बात कर रहे हैं। ओके, आप ये 2 और 6 कैसे हैं, फ्रेंडली आपस में नहीं है? देखो टेबल में फ्रेंडली, और फ्रेंडली है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल चलेगा तो नीड बेसिस पे है, यूट्रेस चलेगा, बट नॉन फ्रेंडली चलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं चलेगा। ओके, ओके, अब देखो 8, 1 और 7 कैसा है? सपोज किसी का एक्सप्रेशन नंबर 8 आ रहा है और उसका ड्राइवर 8 आ रहा है, तो क्या होगा, मैचिंग हुआ नहीं हुआ? हाँ, हो गया मैच, हो गया। अभी एक रूल है, अभी 3-4 रूल और है इसकी कंडीशन, क्लियर है? ये क्लियर हो गया। अब सपोज अब किसी का 4 आ रहा है, 22 से 4 आ रहा है, और 13 से 4 आ रहा है, और किससे 4 से 4 आ रहा है, और कुछ नंबर आएंगे नहीं ना, जनरली 3 ही आते हैं। 31 अब देखो ये 4 आ रहा है किसी का, तो ये ड्राइवर 4 आ रहा है, तो किससे आ रहा है 4, सोचो,
22 से जो चार आ रहा है वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो रानी का दोनों का रिलेशनशिप देखो, ड्राइवर और इसका भी, ये एक और तीन ओके है, मगर ये तो रानी बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो ये नंबर जो 22 से जो चार आ रहा है वो अच्छा नहीं है। और चार से चार ओके, तीन और एक से भी, तीन और एक से भी आ रहा है, 31 से भी, सॉरी 31 से भी आ रहा है, दैट इज, बट दो और दो से आ रहा है वो अच्छा नहीं है। क्यों? वो वही कंपैटिबल टेबल देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चार और दो कैसे है, दो और चार, चार और दो कैसे आपस में दुश्मन है या फ्रेंडली है, नॉन न्यूट्रल है? नॉन फ्रेंडली है सर। नॉन फ्रेंडली है मतलब, नॉन फ्रेंडली मतलब दुश्मनी है। ओके अब मैं अभी अब इस चीज को भी आपको देखना होगा। आप सपोज किसी का ड्राइवर आ रहा है तीन, तो ये हो गए तीन का, तो हो गया ना तीन का, हो चार का, पांच का, पांच का, पांच सर टू नंबर ले लीजिए। हाँ दो और ग्यारह और वो किसका आएगा, 29। अब बोलो कि इसमें से कौन सा बेस्ट है? डबल वन, इलेवन, हाँ दो की बात कर रहे थे। अब ये देखो कि दो, दो से ओके है, ग्यारह से आ रहा है वो भी ओके है, दो 20 भी ओके है, 29 कैसा है? 29 नॉट गुड है, समझे? नॉन फ्रेंडली है। यस नॉन फ्रेंडली। अब दो हो गए, तीन, चार, चार, चार भी हो, पांच भी हो, छह से, छह ये किससे आएगा? और एक छह कहां से आएगा? 14 सॉरी 15 ओके, और एक, और एक छह कहां से आएगा? 24 और एक छह कहां से आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा ना, छह ओनली। अब इसमें से कौन सी बेस्ट डेट है ड्राइवर दे रहा? सर 15 24 क्यों नहीं है भाई? सर क्योंकि क्यों नहीं है? सर क्योंकि ऑपोजिट है कि वो न्यूट्रल है सर, और न्यूट्रल है सर, वो न्यूट्रल है तो पहला प्रेफरेंस जाएगा जो फ्रेंडली नंबर है, दैट इज 15। 24 न्यूट्रल है या कैसा है? न्यूट्रल सर, नॉन फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली है। यस ओके। अब एक और पांच कैसे है? वो गुड है सर, फ्रेंडली, यस गुड। छह के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो आपके टू और फोर क्या होंगे? अच्छे नंबर नहीं रहेंगे, क्योंकि एक और पांच क्या है? गुड है, क्योंकि पांच का जो नंबर है किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, और छह और एक आपस में चुमा चुमा वाले हैं, क्योंकि दोनों भी भोग विलास वाले हैं, जहां पर सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, लोग दोस्ती ज्यादा हो जाती है आपको, उनके दोस्त बहुत होते हैं। हाँ तो न्यूट्रल भी तो, यस सर इट्स न्यूट्रल, तो फिर क्यों नहीं जाएगा नंबर? टू के कॉन्टेक्स्ट में, टू के कॉन्टेक्स्ट में देखो, फोर के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, टू के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ तो फिर वो नॉन फ्रेंडली है। अगर तो दोनों, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखो, पर्टिकुलर केसेस में दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, क्लियर है? अब क्या हुआ, तो बेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा क्या बेस्ट है? पूछा जी 15 सर। ओके ओके अब देखो सात का देखते हैं, ठीक है चलो सात का देखते हैं। अब सात कहां से आएगा? चार और तीन और 16 से, सॉरी ये तो डेट तो रहेगी नहीं ना, ये तो डेट नहीं रहेगी ना, देखो सात एक आएगा, सात 16 आएगा, फिर 25। अब इसमें से कौन सा दोस्त है, कहां से आ रहा है? दो और पांच आपस में दोस्ती है, नहीं है? बिल्कुल एक और छह, एक और छह दोनों भोग विलास वाले हैं, एक और छह दोनों फ्रेंडली, ये सभी फ्रेंडली है,
तो सभी अच्छे मतलब तीनों अच्छे है ना yes, yes. तो मतलब समझ में आया किस पे नाम ले जाओगे? अब नाम ये तो सात आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये छह आ रहा है, किस पे से आ रहा है छह, ये भी तो देखना पड़ेगा उस पे, फिर उसका रूल्स है. ओके अब देखो आठ आठ सत्रह और फिर छब्बीस छब्बीस तो कौन सा बेस्ट है? ये आठ में से किसको ले जाओ? एक और सात कैसे आपस में एटलीस्ट न्यूट्रल होने चाहिए, एंटी नहीं होने चाहिए, मतलब आपको न्यूट्रल चलेगा. सेवन इज न्यूट्रल सर. टू सिक्स वो भी न्यूट्रल है भी. देखना फ्रेंडली है न्यूट्रल है ये देखो पहले एक्स न्यूट्रल एनिमी है न्यूट्रल तो न्यूट्रल टू सिक्स न्यूट्रल है न्यूट्रल है सर टू सिक्स हाँ टू सिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो सिक्स टू के कॉन्टेक्स्ट में देखो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में टू सिक्स दोनों में न्यूट्रल है न्यूट्रल है सर या इन बोथ केसेस इट्स न्यूट्रल. ओके फाइन तो कौन सा नंबर बेस्ट है इसमें? टू सिक्स. क्यों भाई? आठ आठ का दो और छह के साथ कैसा रिलेशनशिप, ये भी तो देख लो सर. टू के संग अच्छा नहीं है. आठ का टू के साथ ठीक नहीं है और वन का वन के साथ भी ठीक नहीं है, फिर तो वो भी ठीक नहीं है. तो इसमें बेस्ट कौन सा लोगे? वन सेवन एट ही होगा. वन सेवन एट होगा सर. यहाँ पर रूल चेंज हो जाएगा. अब आठ के मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर हम आठ पर नहीं ले जाकर तो नाम किस पे और नंबर पे ले जाएंगे? आठ को किसी और नंबर पे ले जाएंगे. कुछ जब पर इसके जो जो प्रीवियस नंबर्स है वो उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए. एक और आठ क्या है? अपोजिट है. एक और आठ और आठ और दो भी अपोजिट है तो ले जाना अच्छा है क्या? ये आठ आ रहा कहाँ से? आठ से आएगा, सत्रह से आएगा, छब्बीस से आएगा. और ये देखो ये आठ जो है आठ की दोस्ती दो के साथ कैसा है? एंटी है. आठ के साथ एक कैसा है? एंटी है. लाओगे क्या? जेनेटिकल प्रॉब्लम होंगे नहीं होंगे? तो नहीं लेना है. तो हम दूसरा कंडीशन इसे ऐसे कंडीशन के लिए दूसरे और एक रूल है. समझ में आ गया भाई? हाँ जी सर. याद रखना जब तक अच्छे कंसल्टेंट नहीं बन सकते तब तक अच्छे टीचर नहीं. चलो नेक्स्ट. ये यहां तक हो गया है. अब और एक रूल निकाल, एक रूल अब बाजू रखते हैं. अब सेकंड ड्राइवर से मैच नहीं हुआ तो क्या कंडक्टर से मैच कर सकते हैं? अब दोनों के या फिर क्या कर सकते हैं? कौन से रूल बोला मैंने बोलिए पहले प्रीमी जी. कौन से रूल बोला मैंने? कविता जी सर पहला तो बोला आपने कि ड्राइवर एंड एक्सप्रेशन नंबर मैच होना चाहिए. यस फर्स्ट रूल ये क्लियर हो गया सबको? यस सर. हाँ सेकंड था एक्सप्रेशन नंबर कंडक्टर से मैच होना चाहिए. यस कंडक्टर से मैच होना चाहिए. तीसरा रूल क्या बोला मैंने? ड्राइवर नंबर के फ्रेंडली नंबर पे आया चलेगा. यदि मैच नहीं हो रहा है तो तीसरा कंडीशन क्या है? मैच नहीं होता है ड्राइवर और कंडक्टर से तो उसके फ्रेंडली नंबर से आना चाहिए. उनके फ्रेंडली नंबर पे कोई भी किसी पे भी ला सकते. अब सपोज एग्जांपल अब नौ के फ्रेंडली नंबर बोलो कौन से हैं? वन थ्री फाइव. तो किस पे लाओगे? वन पे लाओगे, थ्री पे लाओगे, फाइव पे लाओगे? अगेन क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट वन? वन सर. नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है. मैं बताता हूं. चलो अब किसी की डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए. ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड जुलाई. अरे एक ट्वेंटी थर्ड जुलाई 1973. किसकी डेट है ये? किसकी है और इसका
ड्राइवर कितना आया? 5, कंडक्टर 5. कंडक्टर 5. हाँ, और एक्सप्रेशन नंबर? एक्सप्रेशन नंबर वुड बी 9. 9. अब देखो 9 और 5 का क्या है, मैच नहीं हुआ ना, तो फ्रेंडली है. एक मिनट, न्यूट्रल है तो फ्रेंडली. नहीं, एक मिनट, एक जज रूम जब पहले मैच हो रहा क्या 9 और 5? नहीं, वो सेम टू सेम नहीं आ रहा. हाँ. और मगर 9 का 5 के साथ क्या है, फ्रेंडली है ना. फ्रेंडली. फ्रेंडली. हाँ. तो नाम चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं. नहीं, ऐसा बोलिए जिसका नाम चेंज करना ही होगा, जिसका मैच नहीं हो रहा वो बोलिए. So, 8, 12, 1984. इसका एक्सप्रेशन नंबर कितना आ रहा है, ये बोलिए. एक्सप्रेशन नंबर. ड्राइवर कितना 4. है 8. कंडक्टर कितना है? कंडक्टर इज 6. 6. और एक्सप्रेशन नंबर इज 4. 4. अब ये रूल देखो यहाँ पर, शायद ये अच्छे. एक बार सॉरी, मैं वापस बोलना पड़ेगा. हाँ जी, एक बार वापस बोलना. डेट 28. नो सर, इट्स 8, ओनली 8. 8. हाँ. 12. थोड़ी देर आधा घंटा. हाँ, 12. 1984. ओके, फाइन. और ड्राइवर कितना आ रहा है? 8. 8. कंडक्टर 6. पक्का ना? यस सर. एक्सप्रेशन 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 इज 4. 4. और कुआ नंबर? कुआ नंबर इज 8. 8. अब यहां पर लगाओ एक्सप्रेशन नंबर 4 और 8 कैसे है. अच्छा, कैसे, ये भी अच्छा है. अब देखो यहां पर काम आएगा अपनी लॉजिक. हाँ जी, अब ये देखो यहां पर पहला कंडीशन पास हो रहा है, फेल हो रहा है. ड्राइवर जो है, सॉरी, एक्सप्रेशन नंबर जो है वो ड्राइवर से मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना. कंडक्टर से मैच हो रहा क्या? नहीं है. अब ये देखो, ये ड्राइवर कहाँ से आ रहा है? 8 से ही आ रहा है, सिंपल 8 से ही आ रहा है, करेक्ट है ना. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपना लॉजिक. दूसरा, मगर ये जो एक्सप्रेशन नंबर है वो 8 क्या हो रहा है, एक दूसरे के क्या है, क्या है? नॉन फ्रेंडली है. नॉन फ्रेंडली है. तो मैंने क्या बोला था, रूल क्या बोला था, नॉन फ्रेंडली है तो क्या करना, दोनों के फ्रेंडली नंबर निकालो. 4 के या 8 के फ्रेंडली नंबर निकालो, या 4 और 8 के फ्रेंडली नंबर निकालो, दोनों के कॉमन फ्रेंडली नंबर निकालो. किस पे लाओगे नाम? 5 एंड 6 से होना रहा है सर. एक मैं यहाँ ले देता हूँ. ओके, अब वही केस यहाँ पर लेता हूँ. अरे कितनी बार आते हैं जाते हैं पता नहीं. हाँ, अब देखो 8 का फ्रेंडली नंबर कौन है? 8 के फ्रेंडली पे लिख लो, लिख लीजिए पहले 8 के फ्रेंडली नंबर लिख लीजिए. 3, 5, 6, 7 लिख लिया. अब 4 के फ्रेंडली लिख लीजिए. 1, 5, 6, 7 दोनों में कॉमन कौन से नंबर्स है? दोनों में कॉमन फ्रेंडली नंबर कौन है? 5, 6, 7 यहाँ पर लिख लीजिए फ्रेंडली नंबर्स. कॉमन फ्रेंडली, सर फ्रेंडली नहीं, कॉमन लिखना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में. कॉमन लिखना, कॉमन फ्रेंडली नंबर्स तो कौन से है, कौन से थे? 5, 6, 7 चलिए. अब इसकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग है ये भी देख, मिसिंग नंबर्स कौन से निकालिए इसमें से. मिसिंग नंबर मतलब है कौन से नंबर नहीं है इसके अंदर.
पहले तो एक एक है, एक मिनट, एक तो है, दो है, तीन नहीं है, चार नहीं है, चार है, पांच नहीं है। अच्छा ये भी देखो, मिसिंग नंबर में ड्राइवर कंडक्टर को भी कंसीडर करना पड़ता है। ओके ड्राइवर मैं देखा नहीं, मैं तीन नहीं है सामने, चार है, पांच नहीं है ना, नहीं है, छह नहीं है सर, सात भी नहीं है, आठ भी है, नौ भी है। अब किस पे लाओगे, इसके मिसिंग नंबर में से लाओगे, ये पांच छह सात है, तो यहाँ पर अभी कौन से नंबर ले सकते हैं मिसिंग में से, पांच पांच को कैंसिल कर दीजिए, आउट कर दीजिए, आउट कौन से नंबर हो जाएंगे भाई, ऑलरेडी काम है ना नंबर्स, क्यों आउट हो जाएंगे ये बताता हूँ। अब बचा कौन सा, तीन बचा, क्यों ला रहे इसके ऊपर हम लोग, बोल सकते हो कोई भी, लास्ट में किस पे लाना है नाम, तीन पे लाना है, लास्ट में क्या करना है, तीन पे लाना है, क्यों लाना है ऐसा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, साथ क्यों आउट किया वो समझ में बिल्कुल नहीं आया। हाँ जी वो कॉमन नंबर है, वही समझा रहा हूँ एक बार, आप सपोज कविता के पास दो साड़ियां हैं और दो ड्रेसेस, क्या वो सेम टू सेम लेके आएंगी, क्या करेगी, ऐसा मैच लाओगी जो नहीं है आपके पास, फिर वही ला लिया तो क्या हो गया, वही शेड ला लिया, वही कलर ला लिया, वही प्रिंट ला लिया, तो कैसा लगेगा, वही सेम टू सेम कहीं खरीदा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो ऑलरेडी जो नंबर है उस पर क्यों ले जाओगे, क्योंकि वो नंबर आपके पास है, आपके पास है, उसकी वाइब्रेशन आपके पास है, तो लाओगे क्या, और एक वही नंबर वापस रिपीट करोगे, जरूरत है क्या, कब रिपीट करोगे, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ले लो, मगर आपके पास ऑप्शन है, तो उस जो 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 नंबर मिसिंग है उस पर ले जाना है, समझ में, लिख लीजिए मिसिंग नंबर पे ले जाओ, नेक्स्ट रूल क्या है, मिसिंग नंबर। अब दो मिसिंग नंबर है तो कौन सा लोगे भाई, फिर आप कविता गई दो साड़ियां पसंद कर, अब क्या करेगी, व्हाट इज चॉइस, जिसका क्वालिटी अच्छा होगा वही लूंगी मैं तो, एक पॉइंट, अब कौन बोलेगा जी, सृष्टि बोल देगी, कौन सा ड्रेस लोगी, चॉइस क्या है, दो दो सेलेक्ट, दो अच्छे हैं आपके पास, दो नए शॉपिंग के लिए गई, दो पसंद आ गए, लेने पापा ने बोल दिया एक ही लेना है, बजट इतना ही है, तो जो एक्सक्लूसिव होगा वो ही लोगे। हाँ ओके, अब रिमी क्या करे, डेफिनेटली सर जो एक्सक्लूसिव होगा वो ही लूंगी। ओके तो अब नंबर में नहीं होगा वो लेंगे, नहीं जो हम पे सूट होगा वो लेंगे ना, यस जो आपको सूट होगा वो लोग, एक्सक्लूसिव नहीं लोगे, आपको जो सूट हो रहा है आपके बजट में, आपके दो एक 2000 का है, 3000 दोनों पसंद है, जो बजट में एक्सक्लूसिव लगेगा ना, बजट में आएगा सर, हां वही मतलब एक्सक्लूसिव मतलब जो आपको सूट करेगा बेस्ट, पैसा नहीं है, दोनों सूट हो रहा है दोनों बजट में भी है, बट आइदर ऑफ वन वी हैव टू टेक, यस अब उसमें ये देखोगे कि ड्रेस में कि बेस्ट कौन सा रिजल्ट आपको आप पर क्या बोलते हैं लुक एंड फील में कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेटर कलर है, आप फेवरेट, यस फेवरेट कलर भी ले सकते हो, डिजाइन ले सकते हो और ड्यूरेबिलिटी भी दे सकते हो। अब ये भी तो है, ये ले रही हो तो पार्टी वियर है या नॉर्मल वियर है, नॉर्मल वियर है या फिर कॉलेज वियर है, ये रेगुलर पहन सकते हो, अब साल में एक बार पहनने वाला है तो लोगे क्या, अब सृष्टि बोलेगी अरे पप्पा ने तो एक ही 1000 रुपए दिए,
साल भर के बाद कौन मेरे साल में कौन पहनेगा, दीपावली के दिन पहन लेंगे, पापा फिर दिला देंगे, अभी तो मैं रोज पहनने चाहिए। समझे आपको नंबर नंबर का? अब दो नंबर है तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? अब तीन पे भी आ गया, यही केस लेते हैं सर, जिसके एट्रीब्यूट्स अच्छे होंगे। अच्छे तो आम अच्छे तो ज्यादा खा लोगे, एप्पल खा लोगे, जूस ज्यादा खा लोगे? कौन सा लोगे ये चैलेंजिंग जॉब? नाम किस पे लाओगे? तीन पे, सपोज तीन भी है पांच भी है, लिख लीजिए। उसके में भी माइनस पॉइंट्स भी हम देखेंगे, लाइक वो पर्सन के माइनस पॉइंट्स क्या है उस हिसाब से भी हम ऐड कर सकते हैं ना, कि उसको ये नंबर की जरूरत है कि ये नंबर की ज्यादा जरूरत है। कैसा डिसाइड करोगे भाई, कैसे डिसाइड करोगे नंबर कहाँ से है? लिख लीजिए, ये देखोगी जो नंबर मिसिंग है वो कितना पावरफुल है, आपके जीवन में कौन सा रोल प्ले कर रहा है। सपोज एग्जाम्पल के लिए तीन और सात पे लाना है तो कौन सा सेलेक्ट करोगे? क्या चाहिए? सात चाहिए, तीन चाहिए? अब सपोज मैंने क्या बोला, तीन और सात है, कौन सा नंबर लो? तीन नंबर सर। क्यों भाई? सर वो गुरु का नंबर है, तो गुरु का नंबर होने से हो जाएगा क्या? नॉलेज का नंबर है सर, यदि नॉलेज होगा तो नॉलेज होगा तो हो जाएगा। नॉलेज है, रोटी बनाने है तो नॉलेज तो है, रोटी कौन बनाएगा सर? जो हमारे ग्रिड में नहीं है। कौन सी ग्रिड की बात कर रहे हो? मतलब जो नंबर हमारे पास नहीं है सर, नहीं है वही तो कॉमन नंबर निकाले ना, नहीं है तो मिसिंग नंबर तो निकाले हम, वही तो नंबर निकाले हम। जैसे सर हमारे पास तीन नंबर ग्रिड में, डेट ऑफ उसमें नहीं है। कौन सी ग्रिड की बात कर रहे हो? यहाँ पर ग्रिड की बात मत कीजिए, पीपल डोंट मेक कंफ्यूज टू अदर्स। रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है सर। व्हिच इज मोर कंपैटिबल टू ड्राइवर एंड कंडक्टर? आप कैसे बोल सकते हो भाई मोर इम्पोर्टेंट है, कैसे बोल सकते? कुछ रूल है क्या? सोचे थे कुछ रूल है क्या कि दोनों विच इज बेस्ट कंपैटिबल? बट सारे नंबर्स अपने अपने वे में पावरफुल है ना, एवरी नंबर पैसा देगा, हर नंबर पैसा देगा, ऐसा नहीं। तो हम लोग कैसे, अगर जो दो नंबर होते हैं हम उसमें से कौन सा डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये दो नंबर में से उसके लिए कौन सा पावरफुल है? हाँ लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए। फर्स्ट है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, तीन नंबर है या सात नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सा नंबर बहुत जरूरी है? जैसे अभी बोला तीन जरूरत है, यस मैं जरूरी नहीं है, मेरे लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है, मेरे मुझे सात नंबर चाहिए। सपोज एग्जाम्पल तीन और छह, तीन और नौ मिसिंग है, तो अब क्या कौन सा लोगे? मैं तीन लोगे ना नौ लोगे, मेरे लिए नौ तीन जरूरत नहीं आया, सफिशिएंट नॉलेज तो नाइन लोगे, नाइन लोग, नाइन लोग, एक्शन चाहिए ना मेरे को। आप सपोज आप और तीन और छह ही है, कौन सा सेलेक्ट करो? पहले ये देखो कहीं एंटी नंबर तो नहीं है, ये सेकंड रूल देख लीजिए, कहीं एंटी नंबर तो नहीं है, ये एक दूसरे कॉमन फ्रेंड है पर एंटी तो नहीं है। आर यू गेटिंग? एंटी है, नहीं नॉन फ्रेंडली, नहीं नहीं नहीं। अभी जो हमने केस देखा है वो कैसा है? अभी जो कॉमन नंबर अभी देखा कहाँ है? नहीं आप तो हाँ जी। अब ये तीन हमने तीन और पांच को क्या किया, आउट कर दिया ना। अब बचा क्या लास्ट में तीन, ये ड्राइवर के साथ कैसा है तीन, ये भी देखो। फ्रेंडली है, फ्रेंडली है सर, फ्रेंडली है। सपोज एग्जांपल ये कॉमन नंबर आता था एक,
एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा आएगा नहीं तो क्या करोगे, लोगे? नहीं नहीं। तो नेक्स्ट कंडीशन लीजिए, कितने चार पांच कंडीशन हो गए अभी मुझे। ओके नेक्स्ट कंडीशन है बाय डिफॉल्ट नहीं मिला कहीं भी, मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो आप कुआ नंबर पे ले जाओगे। डिफॉल्ट कुआ नंबर हो या छह नंबर हो, पांच नंबर नहीं है तो, क्योंकि पांच क्या है, पांच क्या है ये बता देता हूं। पांच जो है वो नोमरोलॉजी के हिसाब से वो सेंटर में आता है, ग्रिड के अंदर, ग्रिड वाला में हो तो वो सेंटर में आता है। जिसके पास पांच होता है वो बैलेंस वाला नंबर होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पांच पे ले जाए, छह पे ले जाए, मिसिंग है कहीं भी नहीं जमता है तो डिफॉल्ट आप पांच पे ले सकते हो या छह पे भी ले सकते हो। मगर छह पे किससे नहीं आना चाहिए नाम, छह से किससे नहीं आना चाहिए? हाँ तीन को, ट्वेंटी फोर, तीन थ्री सर, ट्वेंटी फोर से नहीं आना चाहिए। इस बात का जो हमने देखा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीन और छह क्यों नहीं ले जाना बोलते, तीन है गुरु का है, छह है वीनस का, एक दूसरे में अपोजिशन है। ये एक देवों के गुरु है, एक दानवों के गुरु है, तो ये दोस्ती करेंगे क्या? नहीं ना। आज आज होमवर्क मिलेगा, होमवर्क करके आने सबमिट करोगे तभी जाके कल क्लास में एंट्री मिलेगी। ये मैं ये रूल मेरे पास ही नहीं, पेड क्लासेस में भी होता है। ओके अभी मैंने जय 30 लोगों को जैन मुनियों को सिखाया था। ओके हाँ, और अभी पिछले नुमरोजी में तीन और थे, उससे पहले वास्तव में 9 अलग बैच था। ओके आई ट्रीटेड हिम लाइक ओनली देयर स्टूडेंट, उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उनको भगा दिया मैंने, अब होमवर्क करके आई पहले। हाँ क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट ही है, जबकि उनके चरण लोग छूते हैं, फिर भी मैंने इसे ट्रीट किया, क्योंकि जब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। क्योंकि आप रिसीविंग साइड हो तो उसके कुछ रूल्स है, और सबसे पैसे लिए मैंने 11 रुपए लिए मैंने, क्यों? बैलेंस ऑफ द इक्वेशंस, बोला आप मंग के दीजिए 11 रुपए, उन्होंने सबने इकट्ठा करके मुझे भेज दिया। आप अपना इंडिविजुअल भेजो, नहीं बोले हम सब इकट्ठा करके भेजते, ठीक है उन्हें भेजा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब आप भी सीख सकते हैं, सब लोग अपना नाम नहीं एक कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो सिटिंग एट होम। ओके चलो उसे ड्रॉ करो। एट नंबर मेरा कंडक्टर, एट नंबर, हाँ जी। ओके ओके सी ड्राइवर, ओके सॉरी एट ड्राइवर, थ्री कंडक्टर, टू एक्सप्रेशन, ओके और एक कुआ नंबर, एक, हाँ जी। तो इनके कॉमन नंबर निकालो ना, आठ और आठ के एक के दोस्ती निकालो, कौन सा नंबर है इनके कॉमन नंबर निकालोगे ना। अभी जब तीसरा चौथा फार्मूला बताया था उस फार्मूला को यूज करोगे ना, नहीं होता है तो पांच पे ले जाओगे लास्ट। ओके पांच के कोई दुश्मनी नहीं होती, इसलिए पांच पे ले जाते हैं। अच्छा पांच में से फिर कोई भी नंबर सर ऐड कर सकते हैं, आई मीन फिर वही नॉन फ्रेंडली फ्रेंडली देख के? नहीं नहीं बाय डिफॉल्ट पांच, पांच का कोई भी दुश्मनी नहीं है ना। हां पांच के जो है सभी फ्रेंडली है ना, डैश डैश मारा था ना मैंने, पूरे फ्रेंडली है ना, तो डिफॉल्ट नहीं होता है तो पांच पे ले जाए। ओके मतलब भाई आप कुछ भी नहीं मिला तो क्या करें, कल बताया था ना मैंने, अब कविता जी अभी बॉम्बे में है, कुछ भी नहीं मिला तो क्या करेंगे, लास्ट में अचार रोटी खा लेंगे, करेक्ट है? हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। सर क्या फिर हम सेवन पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि सेवन का भी नहीं, सेवन स्ट्रगलिंग नंबर, सेवन के कोई दुश्मन नहीं है, मगर वो लेबर वर्क करवाया इसीलिए, इसलिए पांच लिया। ओके सर क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। किसी को क्लियर नहीं है अभी तक? पहला रूल समझ लीजिए,
नहीं लिखे तो वापस समझिए, वापस लिखिए धीरे धीरे, रूल्स है, यही रूल्स फॉलो करने हैं। पहले तो आपका एक्सप्रेशन नंबर ड्राइवर से मैच होना चाहिए, मैच है मतलब इक्वल होना चाहिए, या कंडक्टर से। और जब ये नाम, जब ये भी चीज देखेंगे कि ये कहीं उनके जो पैरेंट नंबर है, कंपाउंड नंबर है, दो नंबर वाला जो है वो दैट्स कॉल्ड कंपाउंड नंबर, वो कंपाउंड नंबर दोनों आपस में दोस्ती रहे, जैसे 18 नहीं आना चाहिए, 19, 12 नहीं आना चाहिए, इस नंबर को भी हम देखेंगे। ओके, उस पर फिर तो नहीं ले जाएंगे ड्राइवर पे, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, ड्राइवर के फ्रेंडली पे देखेंगे। ओके, अब ड्राइवर के फ्रेंडली नहीं है, ड्राइवर और कंडक्टर के फ्रेंडली भी देख सकते हैं, दोनों के कॉमन। कब देखेंगे ये कब देखेंगे, ये जब देखेंगे ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे के विपरीत है। सपोज ड्राइवर 3 आया और कंडक्टर 6 आ गया, तो क्या करोगे भाई, दोनों के कॉमन फ्रेंड्स पे ले जाएंगे। लिख लीजिए कॉमन फ्रेंड पे ले, पहला रूल बोलिए मेरे को, किसने लिखा, क्लियर किसने लिखा, कविता जी लिखिए, शायद लिखिए पहले, हाँ जी बोलिए, पहला रूल बोलिए, या रिमी बोलिए, नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं, मैच नहीं होता है। दूसरा कौन सा है, कंडक्टर से मैच होना चाहिए, मैच नहीं होता है तो विल प्रोसीड टू थर्ड स्टेज। हाँ, मगर ये भी देखेंगे कंडीशन है कि ये ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ से आ रहे हैं, कंपाउंड नंबर का कौन है, पेरेंट कौन है, 18 है या 36 है। हाँ, हो सकता है कंडक्टर में 36 आ जाए, ड्राइवर में नहीं आएगा 36, पर कंडक्टर में आ सकता है 36। ओके, 24 आ सकता है कंडक्टर में, आ सकता नहीं आ सकता है, तो इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या करना है, यदि दोनों के मैच नहीं होते हैं तो ड्राइवर के या कंडक्टर के दोनों फ्रेंडली नंबर में ले लो, या फिर दोनों के कॉमन फ्रेंडली नंबर में भी ले सकते हैं। सॉरी फिर से बोलिए ना, ये ऑल इंडिया रेडियो है, दो बार हो चुका, तीसरी बार नहीं, आप लास्ट टाइम भी चौटिंग करी थी, बोलिए आपको लिखो, आप लास्ट टाइम भी तो लिखा आपने, मैं आपका नाम नहीं जानता, आवाज आवाज मेरे को रिकॉग्नाइज है सर, लास्ट टाइम नहीं लिख पाई थी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था ना लास्ट टाइम, मैं बाद में लास्ट दो दिन नहीं ज्वाइन कर पाई थी। ओके ओके ठीक है, हाँ पहला रूल बोलता हूँ, लिख लीजिए, एक्सप्रेशन नंबर ड्राइवर से मैच होना चाहिए, फाइन। अब यह देखो, ओके नेक्स्ट, अब पहला रूल ड्राइवर और कंडक्टर से मैच होना चाहिए, नहीं होता है तो कंडक्टर से मैच हो, सॉरी मैं कुछ ड्राइवर से मैच होना चाहिए, दूसरा कंडक्टर से मैच होना चाहिए। ओके, तीसरा क्या है, यदि ड्राइवर कंडक्टर से मैच नहीं हो रहा है तो कॉमन फ्रेंडली नंबर से, ये भी कंडीशन है, ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे के अपोजिट भी रहे तो उनके फ्रेंडली नंबर्स, कॉमन फ्रेंडली नंबर्स। और ये भी याद रखना है, ये कहां से आए, कंपाउंड नंबर कौन है, कंपाउंड नंबर कौन से है, कंपाउंड नंबर मतलब ये दो नंबर कहां से आए, नौ कहां से आया, नौ नंबर कहां से आया जो पहले वाला नंबर है, और 27 से आया या फिर 18 से आया, 18 से आया। और यदि हो सकता है कि कंडक्टर जो है वो 36 भी आ जाए, दैट इज पॉसिबल। ओके, 30/12/1964 तो आएगा नहीं आएगा, जो भी आएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है मगर आ जाएगा, तो क्या करोगे, वो जो एंड ऑफ द नंबर कहीं पे आओ,
वो देखोगे कहीं एक दूसरे के एंटी तो नहीं है जो अभी मैंने लिखाया है, वो नहीं समझ आता कंपाइल टेबल में एंटी नहीं रहे। हाँ न्यूट्रल है तो फिर भी चल जाएगा, पर क्यों भाई? अब सृष्टि अच्छा ड्रेस लेने गई तो कोई अच्छा देखेगी या खराब देख के लाएगी? जब चेंज ऑफ नेम कर रहे हैं तो गलत पे क्यों करे भाई, तो अच्छे पे तो करेंगे ना। तो इसीलिए जनरली अवॉइड करते हैं। ओके नेक्स्ट। अब दोनों के अपोजिट है तो नहीं करोगे, कंपाउंड नंबर भी अपोजिट है तो नहीं करोगे, फ्रेंडली है नहीं ये चक्कर होगा। नेक्स्ट, नहीं तो डिफॉल्ट किस पे ले जाओगे? पांच पे। पांच पे कब ले जाना है गाड़ी? जब पूरे कंडीशन मीट फेल हो जाते हैं तभी जाकर अचार रोटी खाना पड़ता है। नॉर्मल अचार रोटी खाते हैं क्या? नहीं खाते ना, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो कुछ भी नहीं मिला तो लास्ट में अचार रोटी भी खाना पड़ता है, वो भी नहीं मिला कभी नहीं बना पाए तो पूरा अचार डाल के खाना पड़ता है, करेक्ट है? लास्ट में वो एंड क्या है? वो है पांच। हाँ ठीक है, अब हो गया। और नेक्स्ट कौन सा है? ये रूल है, अब नहीं हुआ लास्ट में पांच पे भी नहीं मिल रहा तो किस पे ले जाओगे? छह पे ले जाओगे। कुआ नंबर ना सर? हाँ एक मिनट, और बीच में हाँ कुआ नंबर भी तो है ना, बीच में कुआ नंबर भी है। अब पांच नंबर पे भी नहीं ले सकते हो तो लास्ट में छह नंबर पे ले जाओगे। क्लियर है? तो इतने सारे कंडीशंस हैं, मगर लास्ट के जो कुआ नंबर है और पांच और छह है ये अचार खाने वाला फॉर्मूला है। बाकी क्योंकि आप जब चेंज ऑफ नेम कर रहे हो तो अच्छा लोगे ना भाई, तो फिर सर इसका इंपैक्ट भी कम होगा, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उस बेस पे। नहीं इंपैक्ट नहीं है, फेवरेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि पांच पे ले कम इंपैक्ट, बट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि कुआ नंबर का जो स्ट्रेंथ होता है वो 30-40% ही होता है। अब कभी कभी क्या है वो 200% भी देता है। वो अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, इसीलिए कुआ नंबर पे इसको लीस्ट पे ले जाना चाहिए। सपोज कुआ नंबर आपका सपोज चार आया, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है चार, ना ड्राइवर में है ना कंडक्टर में है, उस टाइम पे वो 200% काम करेगा, नहीं तो वो 30-40% काम करेगा। जैसे अब आप नहीं रहते हो, आपके घर में बच्चे काम कर लेते हैं, राइट सर? जब आप रहती तो क्या बच्चे काम करते हैं? नहीं। हाँ वैसा है, वो आपके पास नहीं है तो वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो खुद ही कर लेंगे, जब आप हो तो नहीं करेंगे। इसीलिए बाकी नंबर है तो उसका स्ट्रेंथ 30-40% ही होगा। और जब कब रोल प्ले करेगा? जब कोई नहीं है, वो जोकर की तरह है ना, जब जब कोई भी नहीं रहा है, रिसोर्ट लास्ट रिसोर्ट है, मगर कभी भी मत ले जाना उसको पांच पे जब तक जरूरत नहीं है। ओके क्योंकि बाकी ऑप्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो मिस जो नंबर नहीं है उस पे ले जाना अच्छा है। सपोज ऑलरेडी पांच है आपके पास, तो पांच पे ले जाओगे क्या? जो नंबर नहीं है वो मिसिंग जो नंबर है उस पे ले जाओगे। बट अगर वो मैच नहीं कर रहा तो पांच पे लेके जाएंगे, और अगर नंबर ऑलरेडी है तो कुआ नंबर पे लेके जाएंगे। कुआ नंबर सब ये लास्ट रिसोर्ट, मतलब लास्ट जब कुछ भी नहीं मिलता। एग्जांपल किसी का था, किसका था लास्ट टाइम किसी ऐसे, तो लाइक 5 भी बाय डिफॉल्ट 5 या बाय डिफॉल्ट 6 वो भी ना मिले तो फिर कुआ नंबर पे जाने का वैसे नहीं, ये मिल जाए वो तो जरूरत पहुंच जरूरत ही नहीं, कोई नहीं मिल जाए। एक क्वेश्चन पूछे इसी से रिलेटेड। हाँ एक मिनट, कोई ना कोई नंबर आपको मिल ही जाएगा। आप अपने काम जो केस है उस पे काम करो, समझ में आ जाएगा। हाँ जी मैं, हाँ बोलो। ड्राइवर क्या है? सिक्स। कंडक्टर नाइन। और एक्सप्रेशन नंबर टू।
टू और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 6/7/2003. अब इसमें मिसिंग नंबर कौन से ये बताओ, कुआ नंबर कितना निकल रहा है? कुआ नंबर सर 9. पक्का? यस सर. चलो मेल फीमेल है ये? जी सर. चलो यहाँ लिखना पड़ेगा तुम. ओके नेक्स्ट. अब इसमें मिसिंग नंबर कौन से है? 1, 1, 4, 4, 5, 5, 8, 7, 8 and 9. 9 कहाँ से मिसिंग है? कंडक्टर में? हाँ जी सर. 7 मिसिंग. 7 इज मिसिंग. 7 है ना, जुलाई है ना? जी जी 7 तो है सर. चलो अब मिसिंग नंबर हो गए. अब किस पे ले जाओ, कौन बोलेगा मेरे को? सपोज नाम चेंज करना पड़ा तो नया नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर. एक्सप्रेशन कौन से नाम नए नेम पर किस पे ले जाओगे वो वाला, कैसे चेंज करना है मैं कल बताऊंगा. कहाँ पर चेंज करना है, फर्स्ट नेम में चेंज करना है, मिडिल में चेंज करना है, लास्ट में चेंज करना है, वो अलग बात है. तो उसका जब नाम नया नाम का टोटल किस पे आना चाहिए? देखो ड्राइवर 2 नंबर से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? इंडिपेंडेंट आ रहा है. ओके अब एक्सप्रेशन नंबर किस पे आया, पूरा टोटल कितना है एक्सप्रेशन नंबर का, सॉरी इसका ड्राइवर का, सॉरी कंडक्टर का कितना है टोटल, कितना आया? 9. देखो ना कितना 18 से आ रहा है, 18 से 19 आ रहा है. यस 18, यही तो बोल रहा था मैं. ओके ओके. अब कुआ नंबर का किस पे आ रहा है ये भी देख लीजिए, कुआ नंबर भी कहां से आ रहा है? सिंगल ही आ रहा है, ये तो सिंगल ही आ रहा है, कोई जरूरत नहीं. सिंगल ही आ रहा है. क्या हम इसके नाम सबसे पहले यही देखते हैं, चलो इसी को लेते हैं, 10 मिनट लगेंगे भी. अब आर वन ड्राइवर नंबर शुड ड्राइवर इक्वल टू ई एक्सप्रेशन ड्राइवर इक्वल टू ई पास हो रहा है, पास हो रहा है. ओके मगर ये भी तो देखो नहीं होगा ना, नहीं हो रहा है, फेल. फर्स्ट रूट. नेक्स्ट कंडक्टर, कंडक्टर आ रहा आर से आ रहा है, तो ऐसे भी ले जाना नहीं है. क्यों ले जाना नहीं है? नॉट गुड एंड नॉट मैचिंग, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको लॉजिक समझाना है. क्लियर होगा ये? हाँ नेक्स्ट. ये रूल 2 भी फेल हो गया, रूल 2 फेल हो गया या है, बोलो मेरे को. सर फेल फेल किया सर. बोलिए मुझे, कम से कम मुझे मालूम पड़े कि किसी को समझ में आ रहा नहीं आता. चलो अब इन केस सपोज, अब क्या करेंगे, रूल 3 किस पे लेके आएंगे, रूल 3 में किसको लेके आएंगे? फ्रेंडली नंबर. मगर याद, हाँ यस, रूल 3 में किसके फ्रेंडली? ड्राइवर ड्राइवर का ड्राइवर के कौन है फ्रेंड? 1 2 157. हाँ यस सर 157. चलो ला सकते हैं क्या? यस. ओके अब याद रखो ये ड्राइवर और ये इस पे ला सकते हैं, फोर्थ रूल. अब देखा जाए तो ड्राइवर एंड कंडक्टर नॉट गुड, करेक्ट है ना? क्यों नहीं है नॉट गुड? क्यों नहीं है? आपस में कॉम्बिनेशन, ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन बोलते हैं. क्यों नहीं है? क्योंकि ये 18 से 9 आ रहा है. ये कहां से आ रहा है, जेनेटिक कहां पर इसके, इसका पैरेंट कौन है, कंपाउंड नंबर कौन सा 18 है, तो ये बेकार है. तो इस टाइम पे क्या करेंगे, दोनों के कॉमन
number between driver and conductor. हो सकता है स्पेलिंग लिखने में कहीं गलती हो जाए. हाँ जी, तो आप बोलो मेरे को ड्राइवर और कंडक्टर के कॉमन नंबर कौन है. सर एक क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे जो कंडक्टर है वो नंबर है सर. दोनों के कॉमन फ्रेंड्स कौन है. नाइन कंसीडर करें. हाँ नाइन, नाइन ही करें. सिक्स और नाइन के कॉम्बिनेशन कौन है फ्रेंडली, कॉमन कौन से है. ये हो गया, इस पे ले सकते हैं आप सबको. इस पे भी ले लेना नहीं आप तो क्या करोगे. तो फोन ही होगा, फाइव होगा. सर मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे तो सर सिक्स पे जाए. एक मिनट ये बोलो ड्राइवर कंडक्टर 15 है पक्का. यस सर श्योर. हाँ चलो चलिए. अब ये देखिए, अब देखिए ये अब मिसिंग नंबर आया. अब मिसिंग नंबर किस पे लेंगे, यहाँ एक और पांच है, दो है, किस पे ले जाओगे. अब यहाँ पर इसके मिसिंग नंबर एक दो पांच आठ है और इसमें पांच फोर फाइव एट. हाँ वन ने तो बता रहा हूँ, इसमें से वन फाइव आ रहा. हाँ अब वन मिसिंग नंबर वन फोर फाइव और एट. एट पे तो ले नहीं ले सकते हैं. क्यों क्योंकि क्यों नहीं ले सकते हैं. आठ शनि का नंबर, कौन ले जाएगा शनि. और चार पे क्यों ले जाए भाई, फ्रेंडली है फिर भी क्यों ले जाए. मैं आउट ऑफ बॉक्स बता रहा हूँ आपको, ये लॉजिक है भाई. चार और आठ पे क्यों ले जाए भाई, सोच से देखो. कोई ले जाओगे क्या. नहीं पत्थर, छोटा पत्थर भी हो तो मार. नहीं एक मिनट, लॉजिक से लॉजिक. तो इसमें से आउट कौन से हो गए, आउट क्यों हो गए, ये समझ में आ गया. यस सर. फोर और राइट क्यों ले जाए भाई, बैड नंबर पे. आप सपोज मालूम है आपको चॉकलेट अच्छी नहीं है तो फिर भी खाओगे क्या. हाँ संयम हो सकता खा ले, मगर संयम सृष्टि को नहीं देगा ना, देगा क्या. आपको कैमरा ऑन नहीं है लगता. हाँ नहीं है ना, तो क्या है, खाओगे क्या. नहीं खाओगे वो, क्योंकि फोर और एट बाई डिफॉल्ट ही है तो क्यों ले जाए. ऊपर से कोई इतना पावरफुल नंबर भी नहीं होते हैं. मगर क्योंकि पांच आठ यदि सपोज इम्पोर्टेंट है आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली फोर एट अवॉइड करते हैं. तो लास्ट में क्या आएगा, फाइनल में क्या आएगा, वन और फाइव. अब एक और पांच में कौन सा सिलेक्ट करोगे. पांच. क्यों भाई पांच क्यों करो. क्योंकि इसका कोई एनिमी नहीं है, कोई ऑपोजिट नहीं है. सर आपने कहा था ना डिफॉल्ट नंबर, तो डिफॉल्ट जरूरी है क्या ले जाना. अच्छा रोटी से खाना जरूरी है क्या, शौक से खा ले अलग बात है, पर सोच सर एक पे लेके आएंगे सर, वन पे ले जा सकते हैं. कंडक्टर में एंटी हो जाएगा ना. हाँ हाँ किसका एंटी हो जाएगा. 18 है सर, कंडक्टर में 18 है ना, तो वन वहाँ पर प्रॉब्लम दे सकता है ना. 8 नॉट फ्रेंडली आ रहा है ना सर सर में. यस यू आर आल्सो राइट, लॉजिकली करेक्ट. ओके अब पांच पे ले जाएंगे. पांच का क्या है, फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल पांच. ओके फाइनल किस पे आ गया, पांच पे ले जाना. ओके अब इसके नाम में किसका नाम है, ये मेरी डॉटर का. हाँ मेरी डॉटर का. नहीं पूरा नाम बोलो. पल्किन कपूर. नहीं नहीं स्पेलिंग बोलना पड़ेगा. पी ए एल के आई एन करेक्ट है ये. यस सर. के ए पी यू आर कपूर. यस सर करेक्ट. मतलब एक नया नाम जो इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, एक अल्फाबेट कम ज्यादा करेंगे. ये कल देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओवर हो गया, यहां से कल देखते हैं. ठीक मैं इसी को सेव करके रखता हूं, इसी को सेव करके रखता हूं ताकि कल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं.
यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। 100% या 0%? मेरे पास एक ही चीज होती है। 100% 101% सर, 101% अच्छे से बताया आपने। तो यस सर, वेरी मच क्लियर सर। तो कल हम आगे देखेंगे नेम को चेंज कैसे करना। रूल तो आपसे समझा दिए। ओके, नेम चेंज करने के बाद कौन कैसे चेंज करना है तो नाम को चेंज कैसे करना है, कहां पर चेंज करना है, उसे डॉक्यूमेंट कौन से चेंज करने हैं, ये कल देखेंगे। ओके, और आज क्या का होमवर्क क्या है, बिल्कुल व्हाइट पेज लोगे, अपना नाम लिखोगे, डेटा पर्थ वगैरह लिखोगे, नीचे सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सॉरी सब कैलकुलेशन बाजू करना है, ड्राइवर इतना है, कंडक्टर ये है, कुआ नंबर है, पर्सनालिटी नंबर ये है, हार्ट डिजायर ये, एक्सप्रेशन नंबर ये लिख लेना है, और आपके रूल के हिसाब से 1 2 3 रोज रूल बताया मैंने, कोई रूल नहीं है तो जस्ट रूल बना दिया, तो इसके हिसाब से आपका नाम चेंज करना है नहीं करना, इतना लिख के होमवर्क करो। कितनी देर लगेगी? हार्डली 30 मिनट्स 2 मिनट्स 30 मिनट्स ना, कल आपने बोला तो हाँ कल आपने बोला था ना सर साइड बाय साइड निकालने को, तो ऑलरेडी वो निकाला हुआ है, मैं फिर से निकालने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, पक्का। हाँ ठीक है, कौन लॉजिक पकड़ो, प्रैक्टिस से नहीं हो, लॉजिक लॉजिक को पकड़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे टेबल ये है, लॉजिक समझ में आएगा ना, कौन से नंबर कहाँ से करने, कहाँ से उठाने, तो जो भी चीज सीखते हो कहीं भी हो, कोई भी सीख कहीं भी, लॉजिक पकड़ो तो आप समझ पैहाट करोगे तो 10 साल भी याद नहीं होगा, और लॉजिक पकड़ोगे क्योंकि हर प्रॉब्लम जो है अलग अलग आता है। मैं तो ये कॉम्बिनेशन बता दिया, ये हो सकता कोई नया कॉम्बिनेशन हो जिसमें इसमें सूट ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, आते हैं कॉम्बिनेशन। जब नाम के लिए ये नंबर देखते हैं क्योंकि ये नंबर जो है वो उस इसके पर्टिकुलर विरुद्ध है, नंबर प्रॉब्लमेटिक है इसीलिए। तो दूसरा टेबल सिर्फ नाम के लिए अपोजिट में ध्यान रखना है। यस, मगर ये जो नंबर आ रहे हैं वो जो दो कंपाउंड नंबर आ रहे हैं उसके लिए भी काम आएगा, वो कंपैटिबल टेबल जो है वो कंपाउंड नंबर के लिए काम नहीं आएगा ना, ये कंपाउंड नंबर जो जैसे मैंने 18 निकाला ना, जो कंपाउंड दो नंबर से आ रहे ना उसके लिए भी काम आएगा। देखिए किसी ने भी नहीं पूछा है क्वेश्चन, गुड, ठीक है, थैंक यू मेरा डाउट क्लियर हो गया। हाँ यस यस यस, चलिए चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सर, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम, थैंक यू सर, ओके थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर, नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र।